हमारी मूवी जिसका नाम है क्रैंक हाई वोल्टेज। मूवी की स्टार्टिंग में हम चार्ली को देखते हैं जो एक हेलीकॉप्टर से नीचे गिर गया था, वो भी बिना किसी पैराशूट या सेफ्टी के। इससे पहले पुलिस उसकी बॉडी के पास पहुंचती, कुछ चाइनीज लोग उसे वहां से लेकर फरार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि चार्ली अभी तक जिंदा था, लेकिन जिस जगह पर वो था वो उसके लिए ठीक नहीं थी। कुछ चाइनीज अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन कर रहे थे और जिस तरह उसका ऑपरेशन हो रहा था आम आदमी तो उसे देखकर ही मर जाए। जॉनी नाम का एक आदमी उसकी कटी हुई चेस्ट में सिगरेट की राख डाल रहा था और अगर इतना काम था तो उसने उसके अंदर थूक भी दिया। डॉक्टर्स उसके दिल को निकाल कर उसके अंदर बिजली से चलने वाले दिल को फिट कर देते हैं। कुछ हफ्तों के बाद जब चार्ली को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से एक बैटरी अटैच है। वो लोग उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को भी निकाल कर मार्केट में बेचने वाले थे, लेकिन चार्ली मौका पाते ही उन सभी को बुरी तरह मारता है और वहां से भाग जाता है। उसे उस आदमी तक पहुंचना था जिसके पास अब उसका दिल है। चार्ली एक एक आदमी को मार मार कर उनसे उस आदमी का पता पूछ रहा था। उनमें से एक आदमी के अंदर वो पूरी की पूरी बंदूक ही डाल देता है, जिसके बाद वो उसे जॉनी के बारे में बताता है। ये वही आदमी है जिसने चार्ली के दिल का सौदा किया था। चार्ली अपने दोस्त माइल्स को फोन करता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। माइल्स पेशे से एक डॉक्टर था और उसे आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में सब कुछ पता था। वो उसे समझाता है कि उसके अंदर दो बैटरियां फिट हैं, एक जो उसके बाहर है और दूसरी जो उसके अंदर है। अगर बाहर वाली बैटरी खराब हुई तो अंदर वाली बैटरी सिर्फ 60 मिनट तक चल पाएगी, इसलिए उसे बाहर की बैटरी को समय समय पर चार्ज करते रहना होगा। चार्ली को लगा कि कोई बात नहीं, कम से कम वो हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद जिंदा तो है। लेकिन तभी वो कार चलाते चलाते एक डिवाइडर से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी बाहर की बैटरी टूट कर खराब हो जाती है। वो माइल्स को फिर से फोन करता है और उसे बताता है कि उसके बाहर वाली बैटरी टूट गई है, जिस पर माइल्स उसे समझाता है कि उसका दिल फिर भी धड़कता रह सकता है अगर वो समय समय पर बिजली के झटके लेता रहे। चार्ली इसके बाद अपनी कार की बैटरी से खुद को जोर का झटका देता है। उसका दिल फिर से काम करने लगा था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। चार्ली उनके ठिकाने पर पहुँच कर जॉनी के लोगों को बहुत मारता है, लेकिन अफसोस जॉनी मौका पाकर वहाँ से फरार हो गया था। चार्ली को वहाँ पर रिया नाम की एक चाइनीज लड़की मिलती है। वो चार्ली के आने से बहुत खुश थी क्योंकि जॉनी के लोगों ने उसे भी कई दिनों से बंदी बना रखा था। वो चार्ली के पीछे एकदम फिदा हो गई थी, पर चार्ली उसे रद्दी भर भाव नहीं देता और उसे खुद से दूर रहने को कहता है। रिया उसे बताती है कि उसे पता है कि जॉनी कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद वो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक कार को लूटने की कोशिश करता है, पर कार का मालिक उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। चार्ली एक क्लब में आता है। हम देखते हैं जॉनी को भी कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि वो चार्ली को ढूंढ रहे थे। चार्ली को उस क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड ईव दिखाई देती है जो अब एक स्ट्रिपर की जॉब कर रही थी। चार्ली उसे ऐसी हालत में देखकर शॉक था और ईव उसे जिंदा देखकर, क्योंकि वो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से गिरकर मर गया था। चार्ली उस क्लब में भी कत्लेआम करता है, पर यहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। एक आदमी उसे बताता है कि उसे अल हारून नाम का एक आदमी ढूंढ रहा है। चार्ली के कई दुश्मन थे पर उसने कभी इस नाम के आदमी के बारे में नहीं सुना था। जब वो ईव के साथ क्लब के बाहर आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। वो लोग उसे बिजली का झटका देते हैं, पर उन्हें पता नहीं था कि इससे उसे दर्द नहीं होगा बल्कि उसे और पावर मिलेगी। चार्ली उन सभी पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग जाता है। उनके साथ एक और लड़की थी जिसे जॉनी के बारे में पता था। वो उसे बताती है कि वो उन्हें जरूर घोड़ों के रेस ट्रैक पर मिलेगा जहां वो सट्टेबाजी का काम करता है। रास्ते में कुछ पुलिस वाले उसे देख लेते हैं। चार्ली उनसे बचकर भाग तो रहा था, पर उसकी बैटरी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। चार्ली को गार्डन के अंदर दो लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने डॉग को करंट वाला पट्टा पहना रखा था ताकि वो उसे झटका देकर काबू में रख सके। चार्ली उस पट्टे को निकाल कर पहन लेता है और खुद को बार बार करंट देकर चार्ज कर लेता है, पर उतना करंट उसके लिए काफी नहीं था। पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया था कि तभी एक आदमी उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे वहां से भगा लेता है। चार्ली को लगा कि वो उसका दोस्त काइलो है जो अभी तक जिंदा है, पर वो चार्ली को बताता है कि वो काइलो का जुड़वा भाई वीनस है। इससे पहले चार्ली को समझ पाता वीनस को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं और उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वीनस को ऐसे बीच बीच में मिर्गी के दौरे आते रहते थे। वो कहता है कि उसे अपने भाई की मौत का बदला लेना है, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने उन सभी को बहुत पहले ही मार दिया है। चार्ली देखता है कि घोड़ों का रेस ट्रैक उसके सामने ही था। वो उसके अंदर जाता है और डॉक्टर माइल्स को फोन करता है क्योंकि उसकी बैटरी फिर से खत्म